Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 17 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 6 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 262। दो डेथ शामिल हैं आज की इस बुलेटिन में। कोविड 19 चलते हुए काफी सारे लोग को परेशानी हो रही है। कर्नाटक में किस तरह से एंटर करें, अगर वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं या केरला से। यहाँ ये दो स्टेट्स पर पाबंदी लगाई गई है, वो इस तरह से है कि अगर महाराष्ट्र से आप आ रहे हो तो आप एक डोज वैक्सीनेशन लगाना कंपलसरी है या फिर नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके अलावा केरला से अगर आपको आना है तो दक्षिण कन्नड़ा के थ्रू जो एंट्री आपको मिल रही है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी रोक आ चुकी है और वहाँ पर भी आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर मैंडेटरी हो चुका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के केसेस इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से कर्नाटक सरकार ने भी अभी नए फ्रेश गाइडलाइंस लाए हैं। सभी डिप्टी कमिश्नर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं महाराष्ट्र के, जैसे कि बेलगाम, बीदर, बीजापुर और गुलबर्गा, उन सबको अरेंजमेंट्स करना है ताकि चेक पोस्ट पर कोई भी कर्नाटक में एंटर ना करे विदाउट प्रॉपर चेकिंग। उसके बाद बात करते हैं, गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी ने आज एक अवार्ड फंक्शन रखा था सभी कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए। इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम को रखा गया था सभा फंक्शन हॉल के अंदर, जहां पर प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव कमेटी गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी ने आगे बढ़ चढ़ कर कोविड वॉरियर्स को फेलिसिटेट किया। इस मौके पर प्रेसिडेंट अब्दुल हसीब नुमान, वाइस प्रेसिडेंट सैयद नासिर खुर्शीद और मोहम्मद खमर जुनेद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी और उनके एंटायर टीम ने सभी लोगों को फेलिसिटेट किया। इस फेलिसिटेशन के अंदर एनजीओ फेडरेशंस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स फॉर सर्विसेज इन सोसाइटी, साथ ही साथ मीडिया को रिकॉग्नाइज किया गया, जिसके अंदर गो हैश नेटवर्क को भी एक अप्रिसिएशन अवार्ड मिला। एनजीओ इस बार सेकेंड वेव में एनजीओ सारे उभर के आए और जो लोग सभी यूनिटी से काम किए थे, आई थिंक दैट वाज रियली आउटस्टैंडिंग। और मैं समझता हूँ एंटायर गुलबर्गा के पर्टिकुलरली, जैसे कि पिछली बार में कोविड जो फैल रहा था पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया था, उनके लिए कोविड से फैला गया, लेकिन आई थिंक नाउ इट हैज बीन वेरी क्लियर कि ये कम्युनिटी फैला रही है, जो बचा रहा है। उसके बाद बात करते हैं MIM के ज्वाइनिंग प्रोग्राम जो हुआ वार्ड नंबर 40 मौला अली कट्टा पे। जी हाँ, इसके अंदर कुरैशी ब्रादर के साथ साथ कई सारे लोग ने इलियास सेठ का हाथ थामा और MIM पार्टी को ज्वाइन किया। इलियास सेठ ने काफी बड़ा धावा बोला कांग्रेस पार्टी पर, कहा कि चापलूसी नहीं चलेगी, गुलामी नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त के अंदर मेयर MIM पार्टी का होगा। कांग्रेस ने सिर्फ गुलामी करना है, सुबह में जाना गुड मॉर्निंग बोलना, शाम में जाना गुड नाइट बोलना, स्टेशन को छोड़ने जाना, स्टेशन को लेने जाना, उसकी जरा खतर है। तुम जिसको लीडर मानते हो उसका यह हाल है, जब लीडर गुलाम बना तो तुम्हारी क्या हालत होगी सोचो। चाहे तो मैं कांग्रेस की टिकट ला भी सकता हूँ, लेकिन वहाँ टिकट के लिए गुलामी करना पड़ता, गुलामी पसंद नहीं है मुझे। सियासत छोड़ दूंगा मैं, गुलामी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गुलाम बनूंगा तो मेरी कौम भी गुलाम बनेंगे, क्योंकि हम तो 800 साल हुकूमत कर रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर। हम गुलाम बन सकते क्या? हम चमचागिरी कर सकते क्या? चापलूसी कर सकते? नहीं कर सकते, हमारे खून में नहीं है चापलूसी, चमचागिरी, गुलामी करना। लिहाजा हम लोग इतिहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ मुत्तहिद होकर एक ताकत बन के उभरना है और हमको इंशाल्लाह गुलबर्गा में इस बार नया रहनुमा बनाना है। और मैं खासतौर पे आपके 40 नंबर वार्ड को और पुराने जिलानाबाद को और ये मौला अली कट्टे वालों को, मैं आप सब लोगों को और एक बार दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने पहल कर MIM ज्वाइन हो रहे हैं। स्टेशन मजार पुलिस लिमिट्स के अंदर यह वाकया हुआ, जहां पर दो लोगों की हुई गिरफ्तारी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर के 8.5 लाख रुपए वर्थ 16 गाड़ियों को सीज किया गया। इस मौके पर DCP ट्रैफिक एंड क्राइम श्रीकांत कट्टी मनीष ने मीडिया से बात करते हुए सारी डिटेल्स बताई। प्रसाद सरकार संगमेश्वर जी ने भी सारी बातें बताएं जो कि इस वाकये में पेश आए। पुलिस डिपार्टमेंट की कामयाबी और इमीडिएट रेस्पॉन्स की वजह से लोगों ने अपनी खुशियां जाहिर की। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार, फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय केवीएन यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स।